आप जानते हैं बेटे को वो साजिश करने लगा। राखी आंटी हुआ क्या है? ये जो तेरे अंकल जी है ना, अभी भी खुद को बैचलर ही समझ रहे हैं। तो समझने दीजिए ना बैचलर, वैसे भी आज बैचलर्स पार्टी है, करने दीजिए इनको जो करना है। करेक्ट, इसे कहते हैं आज की नारी सब पर भारी। अरे मतलब ऐसे होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड, ओपन हार्ट, मतलब जियो और जीने दो। बिल्कुल सही कहा आपने महेश अंकल। राखी आंटी, अगर महेश अंकल जाकर किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं तो इन्हें फ्लर्ट करने दीजिए। और एक काम कीजिए, आप भी जाकर किसी के साथ फ्लर्ट कीजिए, मतलब खाओ पियो और ऐश करो। क्या कहा था अंकल आपने? ब्रॉड माइंडेड, ओपन हार्ट, आज की नारी सब पर भारी। हाँ हाँ, ये तेरा आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। आज की नारी ओपन हार्टेड, ब्रॉड माइंडेड, वेरी गुड। ठीक है, कंटिन्यू राखी आंटी, मैं आ रही हूँ। okay, मैं भी चल रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, आप कहाँ जा रही हैं? फ्लर्ट करने। बाय। ये मुंह और मसूर की दाल, ये करेंगे फ्लर्ट? फ्लर्ट तो हम करेंगे। अब इस घूंघट में लग रही हो तुम एक प्यारी सी दुल्हन, पृथ्वी की दुल्हन। लेकिन बेबी बहुत गर्मी हो रही है, ये घूंघट लेना जरूरी है क्या? देखिए, आपके घर से कोई नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा मैं ही आपको शादी के कुछ रीति रिवाज बता दूं। हिंदुस्तानी शादियों में घूंघट और सेहरा एक परंपरा का प्रतीक है, जैसे शादियों में मंगलसूत्र और कुमकुम सुहाग का प्रतीक है, सर ढक लेना पूजाओं में श्रद्धा का प्रतीक है, वैसे ही दुल्हन के लिए घूंघट और दूल्हे के लिए सेहरा एक परंपरा है। इसलिए तुमने ये और सा सेहरा पहन के रखा, तो मुझे लगता है ये परंपरा हमें पूरी निभानी चाहिए। मोतियों की दुकान लग रहे हो तुम। पता है आज चंद्र पूर्णिमा है, आज का दिन शादी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन लोग मंदिर में शादियां करने आते हैं। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी सिंधु जले आचमनीयम सान्निध्यम कुरु। ये तो शादी में जो मंत्र होते हैं उनके उच्चारण की आवाज, और शर्लिन तो कहीं भी दिखाई नहीं दी। अपना पूरा नाम बताइए। शर्लिन खुराना। आपका भी नाम बताइए। पृथ्वी मल्होत्रा। ये लीजिए, इसे पकड़िए। अब खड़े हो जाइए। अब आप दोनों का गठबंधन होगा। कोई आ रहा है आपके यहाँ से? पंडित जी, हमारे घर से कोई नहीं आ रहा, हमारी पूरी शादी आपको ही करानी। नहीं 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 नहीं, आपकी शादी तो हम ही करवा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गठबंधन घर के किसी बड़े आदमी के हाथों से किया जाता है। वैसे आपका गठबंधन कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं पंडित जी। ये बंधन गठबंधन जो भी है ना, एकदम फटाफट। पृथ्वी, ऐसी कैसे बात कर रहे हो? बेबी, अच्छे से तो बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। वो क्या ना बेबी,
तुम्हारा लीगल हस्बैंड बनने के लिए मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ, बहुत डेस्परेट हो रहा हूँ। जरा सोचो बेबी, हमारी शादी के बाद तुम मुझे किस नाम से पुकारोगी? मैं बताऊँ? बेबी का हस्बैंड है ना पंडित जी। स्माइल एंड कंटिन्यू। देखिए आप दोनों झगड़िए मत, आप दोनों की अब शादी हो रही है, सारी विधि विधान मैं ही कर देता हूँ। लड़का ऋषभ नहीं, कोई और है। हेलो सर लांडी। हेलो हेलो, मुझे लगता है नेटवर्क की वजह से फोन कट गया। हेलो, पर सर लांडी मुझे क्यों फोन कर रही हैं? क्या बात हो सकती है? फोन ही कर लेता हूँ ना। हेलो सर लांडी। हेलो हेलो ऋषभ, बेटा बेटा वो शक्ति ने ना, शक्ति मेरी आंखों के सामने शक्ति कर रही है। फिर से फोन करी सर आंटी, बोल क्या रही थी? अब मैं क्या करूं? मैं दोबारा दोबारा नेटवर्क आपका नाम?
प्रीता, प्रीता अरोरा। वाओ, नाइस नेम, आई रियली लाइक इट। थैंक्स। अगर आपको कुछ चाहिए तो लगता है आपको मुझसे बात नहीं करनी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे और भी काम है। बेटा। यस मैम। इधर आइए। ये मेहुल है, करण सर के फ्रेंड, उनके कोच के बेटे। इनका खास ख्याल रखिएगा। आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप उनसे कह सकते हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। श्योर। सर आप कुछ लेंगे? कुछ नहीं, थैंक यू। मैं आपको सारी बात शुरू से समझाती हूँ। शर्लिन है ना, ये अच्छी लड़की नहीं है। उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और अब किसी और के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। शर्लिन की शादी ऋषभ जी से हो गई ना माँ, तो वो लड़की ऋषभ जी की जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेगी। पहले तो किसी और के साथ इसका चक्कर चल रहा है, फिर प्रेग्नेंट है, ये बात ये सबसे छुपा रही है। देख प्रीतम, तू कुछ भी मत बोल। मुझे पता है कि शर्लिन एक अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ इतना तो मत बोलना। मैं नहीं चाहती कि बिना किसी ठोस सबूत के बेटा तो एक लड़की के चरित्र पर शक करे। अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। मुझे शादी तो नहीं होती। क्या कर रहे हो यार? छोड़ो मेरा हाथ, सब देख रहे हैं। डांस कर रही हो ना, डांस करने दो, छोड़ो। मेरे साथ आ, इधर तो। अरे टाइमिंग कहाँ ले जा रहे हो यार, पहले बताओ। दिखने रहा है कि मैं डांस कर रही हूँ, एक तो मेरे सारे दोस्त लोग हैं, उसमें से लेके जाओगे तो कैसे चलेगा? कोई बात, मेरे साथ आओ तो सही। अरे सैमी कहाँ ले जा रहे हो? अरे सैमी, चलो। और यहाँ क्यों ले आए हो? पागल हो गए हो क्या? पांच पार्टी चल रही है। ये कार्ड्स देख सकती हूँ मैं? इतनी सारी सॉरियां क्यों? ये किसके लिए? वो मैं तुम्हें खींच के लेके आया था ना, उसके लिए। सॉरी। अच्छा, तो फिर ये किसके लिए? वो तुम काम कर रही थी और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, उसके लिए। सॉरी। और ये वाला कितना बड़ा है, ये किस लिए? फोन पे भी तो रूडली बात की थी ना, उसके लिए। डबल सॉरी। वैसे मानना पड़ेगा, इतने अच्छे से इतनी मेहनत करके माफी मांग रहे हो, लग रहा है दिल से माफी मांग रहे हो। चलो माफ किया। तो क्यूट है टेडी, ओ गॉड। सॉरी सॉरी, इतने सॉरी। ये वाला भी सॉरी का है, अब ये वाला किसके लिए? एडवांस में बोले तो
बोले तो तुम बहुत अच्छा डांस करती हो ना, लेकिन मैं इतना अच्छा डांस नहीं करता, तो उसके लिए सॉरी। म्यूजिक के बिना ही ऐसे कैसे? जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा सौ दफा तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। सवेरे लिए हाँ बादलों से उतारा गया तुमको मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। जब तक मेरी उंगलियां तेरे बालों से कुछ कह ना ले, जब तेरी लहर में ख्वाहिश मेरी बहना ले, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। वैसे इतने बुरे भी नहीं हो, अच्छा कर लेते हो डांस, डांस अच्छा कर लेते हो। थैंक यू सृष्टि। हाँ बोलो। मैं तुमसे कह रहा था कि क्या कहना चाहते थे बोलो ना। समीर, करीना आंटी कब से तुम्हें बुला रही है नीचे पार्टी में, कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे तुम। अरे लेकिन करीना बहू मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे बोला है कि तुम्हें बुलाएं। चलो। हाय सृष्टि, सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं। हाय, सॉरी मैंने भी नहीं देखा। चलें? अभी? हाँ अभी। दोबारा उन्होंने पूछा तो मैं उनको यहीं भेज दूंगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ मत भेजना, मैं चल रहा हूँ। चलो भागले पृथ्वी, भागले यहाँ से। नहीं भागा तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अगर सासू माँ ने देख लिया मैं शर्लिन से शादी कर रहा हूँ, इनकी बेटी की सौतन ला रहा हूँ, तो ये अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगे। इज्जत तो जाएगी सो जाएगी, प्रीता जी भी हाथ से जाएगी। कौन है? किससे शादी कर रही हो तुम शर्लिन? कौन है हा? इस सहरे के पीछे किसका चेहरा मैं देखना चाहती हूँ। कौन है? हटाओ। अभी यहाँ छुप कर शादी कर रहा था तब तो शर्म नहीं आ रही थी, अब चेहरे को क्यों छुपा रहा है? मुझे देखना है इसका चेहरा।
होती कौन है?